दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। आप देख रहे हो किधर हो मैं? जी हाँ, आप देख रहे हो, पहचानते हो ये जगह? इट इज सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर में आए हुए हैं एंड आज की जो टेक न्यूज है इधर से ही करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, पिछली जो दो टेक न्यूज थी पहले वियतनाम से किया, फिर मुंबई से किया, अब सिंगापुर में। जी हाँ, आपके लिए ये सब करना पड़ता है, बट या दैट इज वॉट इट इज। चलिए चालू करते हैं आज की खबरों के साथ। बहुत बड़ी खबर आई हुई है, बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो आने वाली है इंडिया में आईफोन की, और बेंगलुरु होसूर में, बेसिकली जो बेंगलुरु के साइड में है उधर होने वाली है। एंड 60,000 पीपल, मतलब 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बिग एंड इट इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया। सो या That's what it is. दोस्तों दूसरी खबर जो है वो इतनी ठीक ठाक नहीं है, बट इट इज ऑल्सो गुड इन अ सर्टन वे। अब लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन शिपमेंट जो है वो एक्चुअली में कम हो गए हैं, लेकिन इंडियन सब ज्यादा महंगे स्मार्टफोन जो है वो बाय कर रहे हैं। एंड आई टेल यू वॉट, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि ज्यादा करके 5G है, अच्छे स्पेसिफिकेशन के, और इसकी वजह से आप देख रहे हो कि 10,000 के नीचे वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो आजकल ज्यादा ब्रांड्स बेचते भी नहीं है। सो दे आर बाइंग मोर एक्सपेंसिव फोन्स, इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव फोन्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो Yeah, that's what it is. 10% से स्मार्टफोन शिपमेंट्स गिर गए हैं। ऑलराइट, चिपसेट्स में दोस्तों, नवंबर का महीना जो होता है स्नैपड्रैगन उनका जो फ्लैगशिप चिपसेट है वो लॉन्च करता है। जी हाँ, पीछे देख रहे हो, ये भी फ्लैगशिप चीज़ है। बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में क्या है ये, पीछे जो है नाम क्या है इसका। बट स्नैपड्रैगन 8th जेन 2 लॉन्च हो चुका है एंड लुक्स रियली गुड। जी हाँ, 35% फास्टर है, 40% ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। अगर मैं कोर्स के आर्किटेक्चर के बारे में बात करूँ तो कॉर्टेक्स X3 क्लॉक्ड एट 3.2 GHz, ये प्राइम कोर है, साथ में 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं, 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। सो ओवरऑल लुक्स गुड। इनफैक्ट ऑन पेपर अगर अंतुतु स्कोर भी देखोगे, दैट इज 1.29 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है, विच इज द हाईएस्ट फॉर एनी एंड्रॉयड बेस्ड चिपसेट, मतलब स्नैपड्रैगन चिपसेट। जी हाँ, देखते हैं अब 9200 जो है डायमेंसिटी का, उसका स्कोर क्या आता है, बिकॉज दे आर फाइटिंग वेरी वेल। ऑलराइट, अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रियलमी ने अब ऑफिशियली टीज चालू कर दिया है उनका रियलमी 10 सीरीज का। सबसे पहले रियलमी 10 प्रो प्लस का जो है वो टीजर आया हुआ है। एंड अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो वी ऑलरेडी नो 6.4 इंच, 120Hz SAMOLED कर्व डिस्प्ले आने वाला है, 67W चार्जिंग है, डायमेंसिटी A1080 इस पे होने वाला है से कहा जा रहा है, वो कंफर्मेशन नहीं है, बट यस इट माइट बी ऑन डायमेंसिटी 1080 एंड 50MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सो इट इज लुकिंग गुड, लॉन्च इज वेरी वेरी नियर। ऑलराइट दोस्तों, वक्त होता है WTF न्यूज ऑफ द डे का, एंड ये जो है ना पिछले 2-3 हफ्तों से यही चल रहा है, ब्लू टिक वेरिफिकेशन टिक ऑन ट्विटर। ये जो है दोस्तों, अब ऐसे कहा जा रहा है कि लॉन्च होने वाला है, रीलॉन्च होने वाला है November 29th को, स्टेबल करेंगे और फिर करेंगे। बीच में उन्होंने ऐसे ही लॉन्च कर दिया था, बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, जीसस क्राइस्ट को वेरिफिकेशन मिल गया था, लेकिन अब इसीलिए उन्होंने बंद किया था। November 29th को रीस्टार्ट करने वाले, और एक दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। ट्विटर फॉर आईफोन, ट्विटर फॉर एंड्रॉइड, ये जो लेबल होता है ट्वीट के नीचे वो अब एलन मस्क जी कह रहे हैं कि निकाल देने वाले हैं। तो अगर किसी ब्रांड ने, वीवो ने अगर आईफोन से ट्वीट कर दिया, अब नीचे पता चलता है कंट्रोवर्सी हो जाती है, अब ऐसी कुछ चीजें नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। आईकू नियो 7S एंड नियो 7SE इसके इमेजेस वाइबो के ऊपर आ गए हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो नियो 7S जो होने वाला है वो 8+ Gen 1 पे होगा, 16GB रैम होने वाली है, 512GB स्टोरेज जो ऊपर वाला वेरियंट होगा। और अगर नियो 7SE के बारे में बात करूं तो ये डायमेंसिटी 8200 पे होगा एंड 120W चार्जिंग स्पीड्स मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल नियो सीरीज, नियो 7 सीरीज इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। ऑलराइट दोस्तों, और फोल्डेबल फोन्स के बारे में बात करते हैं। फाइनली 1.5 साल के बाद दोस्तों ऐसे लग रहा है कि पिक्सेल फोल्ड एक्चुअली लॉन्च होने वाला है, और उसके कुछ डिटेल्स भी आए गए हैं, स्पेशली उसकी जो प्राइसिंग है, $1799 मतलब $1800 का ये फोन होने वाला है May 2023 में, मतलब 6-7 महीने के बाद ये रिलीज होने वाला है। कन्वर्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपये पिक्सेल फोल्ड फॉर नियरली 1,46,000, क्या लगता है? ऑलराइट, अब फोल्डेबल के बारे में बात हो गई, अब टैबलेट जो है एक नया, और एक ब्रांड उनका टैबलेट लॉन्च करने वाला है, OnePlus। जी हाँ, OnePlus का टैबलेट आने वाला है। पहले भी ऐसे रूमर्स आए हुए थे, बट ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली आने वाला है, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो गए हैं। Qualcomm Snapdragon 870 इस प्रोसेसर पे होगा एंड 8360mAh की बैटरी होने वाली, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ बिग टैबलेट। बट हाँ, OnePlus का टैबलेट आ रहा है, OnePlus टैब। वक्त होता है आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट का, जी हाँ, रैपिड फायर का। एयरटेल 5G जो है अब गुड़गांव में भी आ गया है। अब 8 सिटीज जब लॉन्च हुआ था तब 8 सिटीज में था, अब 10 सिटीज में टोटल आ गया है। वैसे अगर आपके पास OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T है तो Oxygen OS 13, which is based on Android 13, इसका stable update जो है अब roll out हो रहा है। So if you have that,
go and update. वैसे Oppo के फोन है आपके पास और 5G फोन है और आप रुके हुए थे 10 सिटीज में हो या मेट्रो सिटीज में हो जहाँ पे 5G है, तो अब Oppo स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट आ गया है जिसकी वजह से Jio 5G नेटवर्क जो है वो अब सपोर्ट होता है. बिग थम्स अप. वैसे OnePlus का टैब आ रहा है, साथ में OnePlus Buds Pro 2 के स्पेसिफिकेशंस भी आ गए. फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, 10 वॉट इनपुट आने वाला है. सो या इट्स कमिंग, OnePlus Buds Pro. चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1413 होती है खत्म इधर ही. फ्रॉम मरीना बे सैंड्स इन सिंगापुर, कैसे लगी आपके लिए करते हैं दोस्तों. आपको लगता है कि भाई ऐसी ही होती है? नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाती है इस बात पे, लाइक तो बनता है. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.